बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस ने एक बार फिर से विस्फोटक के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है और ट्रक समेत लगभग 33 लाख रुपए का विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। यह विस्फोटक पदार्थ मध्य प्रदेश के रीवा से जांजगीर चांपा जा रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ जब्त किया। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बलरामपुर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, जिसके चलते न सिर्फ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है बल्कि बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में बलंगी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर विस्फोटक पदार्थ से भरे ट्रक जब्त किए हैं। ट्रक में टाइगर एवं एक्सप्लोजिव 120 बॉक्स, टाइगर पावर 90 और एक्सप्लोजिव 40 बॉक्स, DF इंडो कोड एंड DF इंडो कोड 8 बॉक्स, स्कूल लंबाई 12,000 मीटर वायर जिसकी कीमत लगभग 33,11,000 रुपये है। आरोपियों का नाम सुरेश चंद और राजकुमार सेन है, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। विस्फोटक से भरी ट्रक को यह दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के रीवा से सीधी सिंगरौली, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़ होते हुए देवनारायण ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग, बलौदा, जांजगीर चंपा लेकर जा रहे थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नाकेबंदी कार्रवाई किया जाकर धरपड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में नाकेबंदी की कार्रवाई के दौरान में बलंगी का जो बॉर्डर है तुगवा, उस जगह नाके पर एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत में एक एक्सप्लोजिव वैन जिसपे विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था, जिसमें रोक करके उससे पूछताछ की गई। उस एक्सप्लोजिव वैन में, जिसका ट्रक वाहन क्रमांक है RJ6GT 2810, और इसके अंदर में जो कार्डेक्स वायर रखे हुए थे, जिसमें टाइगर एंड एक्सप्लोजिव 120 बॉक्स था, कीमत उसका वजन लगभग 3,000 किलोग्राम, टाइगर पावर एंड एक्सप्लोजिव इसका 40 बॉक्स था, 1,000 किलोग्राम, इसमें डी इंडो कार्ड ये 8 बॉक्स थे, इस प्रकार से 240 किलोग्राम, इन कुल से लगभग 4,241 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोजिव वैन के साथ में जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये वहाँ से रिवर से निकल करके इसको जांजगीर चांपा जाना था, इसको द्वारा निर्धारित रूट को फॉलो न करते हुए अन्य रूट से आ रहा था, जिसमें बलरामपुर जिला उस पर उल्लेखित नहीं था। रूट के उल्लंघन करने के कारण से इसको जब्ती किया जाकर इस पर एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा रही है। जब्त गाड़ी की कीमत लगभग 30 लाख रुपए और इसमें जो माल भरा हुआ था लगभग 3,11,000 रुपए की कीमत की मसूर का जब्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में दो आरोपी जो राजस्थान से होकर के चांपा जांजगीर की ओर जा रहे थे, उसमें से सुरेश चंद्र चौधरी और दूसरा राजकुमार सेन, ये दोनों आरोपी मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके एक्सप्लोजिव अधिनियम के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के हम लोगों के द्वारा लगातार इलाके में नाकेबंदी किया जाकर बॉर्डर को सील करके चेकिंग की जा रही है, जिस पर लगातार सफलताएं प्राप्त हो रही है। इस पूरे प्रकरण की कार्रवाई में चौकी प्रभारी बलंगी और उनके सहयोगी नाके में पदस्थ पहले से तैनात SST की टीम उस पर मददगार साबित हुई है। उनको लगातार बहुत अच्छी चेकिंग किए जाने के संबंध में और निर्देशित किए गए। बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट।